जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल ने हाल ही में अपनी 27 साल पुरानी फिल्म बॉर्डर 2 के अनाउंसमेंट से पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी, लेकिन फाइनली इनकी दो और फिल्मों को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार सनी देओल की 2024 और 2025 की स्टार्टिंग में आने वाली दो फिल्मों के बारे में। जी हम बात करें इनकी फिल्म सफर और लाहौर 1947 के बारे में। तो अगर आप भी दोनों फिल्मों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें इनकी पहली फिल्म के बारे में तो इनकी 2024 में रिलीज होने वाली फिल्म है सफर, जिसकी की शूटिंग काफी जल्दी कंप्लीट हो गई थी। जी हां, बताया जा रहा है कि जनवरी में ही इस फिल्म की शूटिंग को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू कर दिया गया था। और खबरें ऐसी आ रही कि फाइनली फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी जून में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जुलाई में हमें फिल्म का टीजर देखने को मिल सकता है और ये फिल्म हमें अगस्त या सितंबर में देखने को मिल सकती है। और कुछ सोर्सेस की माने जाए तो बताया जा रहा है कि इस फिल्म को OTT पे भी रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि फिल्म का बजट उतना ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। और फिल्म को डायरेक्टर शशांक उदयपुरकर के डायरेक्शन में बनाया गया, जिसमें कि हमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें दूसरे फिल्म लाहौर 1947 के बारे में तो इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और बताया जा रहा है कि फिल्म लाहौर 1947 का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन ये फिल्म हमें अगले साल जनवरी में देखने को मिलने वाली। जी हाँ, फिल्म को 26 जनवरी 2024 के दिन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को अपना डायरेक्शन दिया, जिसमें कि हमें बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान का कैमियो देखने को मिलने वाला है और ये दोनों ही फिल्में बेहद खास होने वाली है। तो आप इन दोनों में से कौन सी फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।